बीपीएन ज्यादातर लोग और कंपनी आजकल बीपीएन का यूज कर रही हैं। अबे यूज क्यों कर रही हैं? आप अगर यूज करते हो या फिर नहीं भी करते हो तो भी आपको जानने के मन में एक इच्छा होती होगी कि ये बीपीएन होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और एक अच्छा बीपीएन हमारे लिए कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको बीपीएन के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ, फुल जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपके जो नेटवर्क है उसको प्राइवेट कर देता है जिससे कि आप जैसे ट्रैक नहीं हो पाते हो, साथ ही साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और आप अपने लिए इसको यूज कैसे कर सकते हो, इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों मेरा यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीपीएन से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी आपकी क्वारी है वो इस वीडियो में मैंने ले ली है और इस वीडियो में आपको सारी फुल एंड टू एंड मतलब ए टू जेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बीपीएन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप देख ही सकते हैं, इंस्टाग्राम का नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। अनसिक्योर्ड वेब नेटवर्क पर सर्फिंग करने का मतलब है कि आप अपने डेटा को साथ ही साथ अपने बैंक इंफॉर्मेशन को बहुत ही हाई रिस्क पर डाल रहे हो। अब अगर आप यहाँ पे बीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि ये आपके नेटवर्क को एनक्रिप्ट कर देता है जिससे कि आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाती है, कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाता है, आपका आईपी एड्रेस वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे हाइड हो जाती है। जान लेते हैं ये वर्क कैसे करता है, हाउ बीपीएन वर्क्स। बीपीएन होता है आपके पीसी या फिर मोबाइल को एक कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट कर देता है जिससे कि आप उस कंप्यूटर के इंटरनेट को यूज कर पाते हो और उससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो यहां पे हाइड कर देता है। अब इसका फुल यूज मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको हाइड कर देता है। जब भी आप सिक्योर्ड बीपीएन सर्वर से कनेक्ट होते हो उसके बाद जो आपका डेटा होता है वो यहां से एक एनक्रिप्टेड टनल के अंदर से गुजरता है जिससे कि आपका जो आईएसपी होता है, साथ साथ जो भी गवर्नमेंट होती है या फिर कोई भी हैकर होता है, चाहे कोई भी वो एक्स वाई जेड, उसको आपको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उसको यहाँ पे वर्क करना होता है आपको ट्रैक करने के लिए। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो ऑप्शंस ले लेते हैं, जैसे कि विदाउट बीपीएन और विद बीपीएन। अब विदाउट बीपीएन में आपको बता देता हूँ, जैसे आप कोई बीपीएन का यूज नहीं करते हैं उसके बाद अगर आप नेट पे सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो आईएसपी है वो आपको साइट से कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट करने के बाद जो आईएसपी है वो आपको एक यूनिक नंबर देता है, एक यूनिक कोड देता है जिसको कहते हैं आपको आईपी एड्रेस, जिसे कि आपको ट्रैक किया जा सकता है, साथ साथ आपकी सारी डिटेल भी निकाली जा सकती है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जो आईएसपी होता है वो आपकी सारी डिटेल, जो भी आप वेब पे करते हो, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, आपने क्या क्या देखा, किस किस साइट पे आप गए, मतलब कि सारी चीज आईएसपी यहां पे देख सकता है। यहां पे आपका जो डेटा है उसको देखने के मतलब जो प्राइवेसी है उसका यहां पे ज्यादा रिस्क होता है। अब देख लेते हैं कि जब आप बीपीएन का यूज करते हैं उसके बाद क्या होता है। जैसे आप बीपीएन का यूज करते हो उसके बाद जो भी VPN ऐप से आप यूज कर रहे हो उसके बाद वो आपका जो एक यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है आपके मोबाइल में। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ से कोई भी सर्फिंग वगैरह करते हो तो जो आपका डेटा है वो गुजरता तो ISP के जरिए, लेकिन जो ISP होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो आपके फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देख पाता है, मतलब कि आप कहाँ पे गए, कौन सी साइट आपने विजिट की, आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, जिससे कि आपकी जो भी डिटेल्स होती है, एक्टिविटी होती है, सारी डिटेल्स सिक्योर हो जाती है, जिससे कि आपका डेटा प्राइवेट हो जाता है, प्राइवेसी आपकी सिक्योर हो जाती है और उसको बहुत ही मुश्किल होता है आपकी प्राइवेसी को देख पाना। साथ साथ जो साइट होती है वो भी हमारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं देख पाती है। एक नजर उस पे भी डाल लेते हैं कि बीपीएन का इस्तेमाल कब से होने लगा और इसकी मतलब जरूरत आपको कैसे पड़ी। तो बात है 1996 की, जब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने अपने जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी उनके एम्प्लॉय होते हैं, वो जैसे कंपनी से बाहर जो भी काम करते हैं उनके लिए यहां पर सबसे पहले बीपीएन का यूज किया, जिससे कि उनके यहाँ पे कोई भी डेटा वगैरह हैक ना हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कंपनी का काम काफी अच्छा चल सके। तो जैसे ही उन्होंने यूज किया तो उसके बाद जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे डबल हो गई।
मतलब प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और कांच यहाँ पे कंपनी ने करके दिखाया, एम्प्लॉय ने करके दिखाया। ऐसे जो दूसरी कंपनी है उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने भी यहाँ से VPN का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे आपका जो VPN है उसका यूज होना स्टार्ट हो गया। तो आप जान लेते हैं आपको VPN का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए। तो जैसे अगर आपको अपनी प्राइवेसी से बहुत ही ज्यादा प्यार है, मतलब बहुत ही ज्यादा आप अपनी प्राइवेसी को कतई लीक नहीं होने देना चाहते, तो आपको इसको 100% यूज करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ, तब आप इनको करें तो इसको यूज करना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए, मोबाइल गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन तो आपको इसको यूज करना चाहिए, साथ ही साथ आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक वाईफाई होता है जैसे कि आपका ट्रेन स्टेशन पे हो गया और भी बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो उनका अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको VPN का यूज 100% करना चाहिए, जिससे कि आपका डेटा यहाँ पे स्टोल ना हो, मतलब कोई भी उसको चुरा ना सके। अब बात कर लेते हैं इसके VPN के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है रिमोट एक्सेस VPN। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो भी यूजर इसको यूज करता है उसका डेटा एक एनक्रिप्शन टनल के जरिए यहाँ से निकलता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका डेटा बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, उसको यहाँ पे स्टोर करना चुराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो दूसरा टाइप है वो है साइट टू साइट VPN, इसको राउटर टू राउटर VPN भी कहा जाता है। इसका क्या ज्यादातर इस्तेमाल यहाँ पे कंपनीज वगैरह करती हैं अपने बहुत सारी ब्रांचेस को यूज करने के लिए, मतलब अपने कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए कंपनी वगैरह इसका ज्यादातर यूज करती है। अब जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग VPN। अब आपको भी पता है बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी हाइड रहेगी, IP एड्रेस हाइड रहेगा, लोकेशन हाइड रहेगी, स्ट्रीमिंग लोकेशन हाइड रहेगी, डिवाइसेस एंड वेब एक्टिविटीज भी आपकी हाइड हो जाती है। अब आपने इसके बेनिफिट्स तो जान लिया, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज हो उसके बेनिफिट होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्लो स्पीड, मतलब कि आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ पे स्लो हो जाता है, स्पीड थोड़ी स्लो उसकी हो जाती है। नो कुकीज प्रोटेक्शन, साथ साथ नोट टोटल प्राइवेसी, आपको टोटल प्राइवेसी यहाँ पे 100% यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद एक VPN को एक कंप्लीटली सिक्योर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता वो मैं आपको कहता हूं कि जो VPN होता है ये आपको गवर्नमेंट से बचा सकता है, हैकर से बचा सकता है, ISP से बचा सकता है जो कि आपकी डेटा को नहीं देख पाते। लेकिन जो VPN का प्रोवाइडर होता है, जो आपको VPN जिस भी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं वो आपके डेटा को देख सकता है। तो इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है एक ट्रस्टफुल VPN की, मतलब एक ट्रस्टफुल कंपनी की जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह सर्विस प्रोवाइड करे और आपको डेटा को सिक्योर रखे। तो इसका आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपकी ट्रस्ट के लिए लायक है, कौन सी नहीं है, इसके लिए भी कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पहला, सफिशिएंट इंटरनेट स्पीड आपको चेक करनी होगी, जो भी आप VPN लेना चाहते हैं उसकी प्राइवेसी सिक्योर रहे ये भी आपको जांच लेना है। साथ साथ प्रोवाइडर लेटेस्ट प्रोटोकॉल का यूज करता हो, साथ साथ आपके जो डेटा लिमिट है वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच करती है, आप जितना डेटा चाहते हैं उतना यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपको जो भी सर्वर है उसकी लोकेशन पता हो, मल्टीपल डिवाइसेस पर VPN एक्सेस हो सके, साथ ही साथ हाईएस्ट एनक्रिप्शन अवेलेबल हो, कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा हो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कस्टमर से बात कर सके, फ्री ट्रायल अवेलेबल हो जिससे कि आप उसका जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसको लेने से पहले फ्री ट्रायल ले सके, साथ साथ एड ब्लॉक करने की फैसिलिटी भी उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम VPN का इस्तेमाल यूज किस किस डिवाइस में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है उसमें आप VPN का यूज कर सकते हैं और अपने जो कनेक्शन है अपना डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूं ये वीडियो मैंने काफी मेहनत से बनाई है, आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस को जानते रहना चाहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जानते रहना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा यहां पे मनोबल बढ़ेगा और आपको काफी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो लात रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो।